स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग, अगर हम सीपीयू शेड्यूलिंग की बात करें तो यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग आपके जो है एक तरीके से जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं उसमें से हम किस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए अडॉप्ट करें उसको सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया बताता है। सीपीयू शेड्यूलिंग यहाँ पे आपके दो तरीके से हैं, एक तो है नॉन प्रीएम्प्टिव आपका सीपीयू शेड्यूलिंग और दूसरा है प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग। नॉन प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग क्या कहता है, व्हेन ए प्रोसेस कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, एंड सेकंड वन इज व्हेन ए प्रोसेस लीव सीपीयू वॉलंटरली टू परफॉर्म सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन और टू वेट फॉर एन इवेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक प्रोसेस आपका एग्जीक्यूशन पे लगा हुआ है और दूसरा प्रोसेस उस टाइम रिक्वेस्ट करता है अपने एग्जीक्यूशन की, तो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कहती है कि आपका दूसरा प्रोसेस जब तक एडॉप्ट नहीं होगा जब तक कि पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। इसका मतलब अगर पहला प्रोसेस एग्जीक्यूशन पे लगा हुआ है तो दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूशन पे लगाया नहीं जा सकता। उसको सेलेक्ट करने का तरीका तभी है, तभी उसे सेलेक्ट किया जा सकता है जब पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाए या कंप्लीट हो जाए। यह आपका जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है आपका प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। इफ ए प्रोसेस एंटर्स इन द रेडी स्टेट आइदर फ्रॉम न्यू और वेटिंग स्टेट एंड इट इज ए हाई प्रायोरिटी प्रोसेस, अगर आपका एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन पे लगा हुआ है उसी दौरान दूसरा प्रोसेस आता है, या तो वो नया एंटर हो या कोई वेटिंग स्टेट से आके तब वो आता है, तब उस कंडीशन में हम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन पे लगाते हैं जिसकी प्रायोरिटी हाई हो। मतलब अगर एक प्रोसेस लगा हुआ है और दूसरा प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है तो यहां पे हमारे सिलेक्शन एल्गोरिथम के थ्रू हम सेलेक्ट करते हैं कि इन दो प्रोसेस में से किस प्रोसेस को हम एग्जीक्यूशन पे लगाएं। इफ ए प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट बिकॉज टाइम क्वांटम एक्सपायर, यहां पे जो है हमारा जो है एक स्विच करता है जब हमारा क्वांटम टाइम जो है वो आपका एक्सपायर कर जाता है। सीपीयू शेड्यूलिंग समझने से पहले, उसके क्वेश्चन करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज है उनकी तरफ हमें ध्यान देना होता है। सबसे पहले है आपका बस टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम और रनिंग टाइम। इट इज द टाइम प्रोसेस रिक्वायर फॉर रनिंग ऑन सीपीयू, इन शॉर्ट में उसे बीटी भी कहते हैं। मतलब एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए